अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं छत पे आ चुका हूँ, मैं ज़रा ना ये तरपाल सीधी कर दूँ ताकि नीचे ना जाए। देखे जी। अच्छा फ्रेंड्स, बाकी सबके जो कलर है ना वो सेम के सेम है यार। इसके जो उनसे ना गर्दन पे ना ऑरेंज कलर के ना बाल हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं थोड़े से निकलेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और माशाल्लाह इनके कद भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैंने अब देखा, ये देखे जी इसके काम। इसको ना मैं नोज़ पिन ला के लगाऊंगा, इसको भी और इसको भी। नोज़ पिन मैंने इसलिए लगानी है, ये देखें इसकी गर्दन पीछे से ना इन्होंने सारी गंदी करती हुई है। मुर्गे के ना ये पंख खाती हैं, नोज़ पिन इसको लगानी पड़ेगी। इसका तो कन्फर्म है ना कि ये खाती है, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है। इसीलिए ये देखें इसकी दुम नहीं अभी तक आ रही, दुम की साइडों वाली सरी आ गई हैं और बीच वाली जो उनसी है वो अभी तक नहीं आई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनको ना दाना डालता हूँ मैं। सुबह से भूखे हैं बेचारे। अरे जी, ये भूखे हैं या नहीं है इस चीज़ की ना, इस चीज़ का पता इस बात से ही लग जाता है। ये ट्रे देखे बिल्कुल खाली है। ओए, साइफर के ऊपर आ गया सारा। ये देखे जी हमारा पप्पू, ये नहीं सुधर सकता जी। इसको ना प्रोटोकॉल ही चाहिए, जब भी चाहिए इसने सेपरेट ही खाना होता है सबसे। ले अब बैठ गया ऊपर बड़े मज़े से। चल भाई इधर आ जा, इधर आके खा ले। मैं पकड़ के रखता हूँ एक साइड से, दूसरी साइड से तू खा ले। ये देखें फ्रेंड, इसके काम चेक करें। माशाल्लाह धूप आज निकली हुई है काफ़ी अच्छी, मौसम भी बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, हल्का सा ठंडा सा मौसम है। रात को सर्दी हो जाती है, दिन टाइम तो बिल्कुल ठीक है। तो चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ। ओए 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 ओए, ये देखिए जी अब सारे इधर आ गए हैं। इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा दाना, ताकि जिसका भी ज़्यादा मन करे खाने का वो इधर से खा ले। चले जी अब आ जाते हैं जी दूसरी साइड पे। फ्रेंड्स, मैंने ना एक बात बतानी थी कि मैं इन कबूतरों में से ना कोई भी बच्चा जो है ना वो हैंड टेम नहीं करूँगा। वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये सारे जो ना मेरे बड़े भाई के ना बहुत कीमती जानवर हैं। तो लिहाजा उसने ना मुझे मना तो नहीं किया उसने, लेकिन ये है कि यार अब उसने एक चीज़ रखी हुई है इतने प्यार से, अब उनके बच्चों को मैं हैंड टेम करूँ। अब बाद दफ़ा ये भी हो जाता है कि बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी चीज़ है वो ख़राब हो। ठीक है, इस वजह से ना मैं एक बिल्कुल न्यू और कुछ ना यूनिक किस्म का नया जोड़ा लेके आऊँगा और ना उसको लगाऊँगा, उसके उनके बच्चों को जो है ना हैंड टेम पे लगाऊँगा। उनको ना मैं वो ऊपर वाला जो केज है ना वो दे दूँगा। ठीक है, नीचे वाला भी वैसे खाली, अभी मेरे सारे परिंदे इसके अंदर ही आ रहे हैं। माशाल्लाह ये देखे जी इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उड़ने के काबिल है। ये भी उड़ने के काबिल हो गया, ये भी बच्चा है इनका। ठीक है, और ये नीचे वालों का एक बच्चा है जी, ये बैठा हुआ है। अब मैंने इनको सबको देखना है कि दाना डला हुआ है इनको, किसी के पास है किसी के पास नहीं है अभी। तो इन सब का पानी भी चेंज करने वाला है, अब मैं वो भी चेंज करूँगा। ओए ओए ओए, ये देख अभी ऊपर आया, इसके पाँव बीच में रखा है और छलांग लगा दी, पकड़ने लगा था मैं। आराम से खा ले, क्या हो गया तुझे, आराम से खा ले। ये होते हैं दोस्तों परिंदे, ये देखें माशाल्लाह खा रहा है पी रहा है, हाथ जैसे मर्जी लगाऊं। बाद दफ़ा ये होता है हाथ पे भी काट देते हैं, प्यार होता है ना जो, एक प्यार जो होता है वो ही यानी कि काम आता है इनको संभालने के लिए। अदरवाइज अगर जो परिंदा हाथ पे ना लगा हो, अगर उसको ले के आऊँ ना मैं तो चले। अच्छा मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। मैं ना एक परिंदा लेके आया था, असील मुर्गा बड़ा, वो गलवा मुर्गा था। ठीक है, यानी कि गलवा भी एक नस्ल होती है, वो वाला मुर्गा गले की ना यानी कि नाड़ काफ़ी लंबी होती है। वो मैं लेके आया, मैंने वो छोड़ा, रामलाल उसके पीछे पड़ा, इधर तक रामलाल अभी आया या उसने इधर से छलांग लगाई, ये पार कर गया। फिर मैं दूसरे घर से ना उसको पकड़ के लाया, पकड़ के ला के मैंने फिर छोड़ा। वो लड़ा तो नहीं, डरता था, एक दिन का मेहमान था, लाया था दोस्त ने दिया था, मैंने छोड़ा, मुझे नहीं पसंद आया ना वो लड़ा और डरपोक था काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से ना मैं उसी टाइम ही जाके उसको वापस कर आया। तो अभी माशाल्लाह मेरे ये अपने जो बच्चे हैं रामलाल के, एक दो मंथ बाद ये पूरे पूरे मुर्गे बन जाएंगे, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से कोई परिंदा एक्स्ट्रा खरीदने की, मुर्गियाँ खरीदनी पड़ेंगी इनके लिए,
वो भी अच्छी नस्ल की किसी के घर से लेके आएंगे, ठीक है। तो एक एक या दो जोड़े हम पिजन्स के लेके आएंगे, वो या तो लट्ठे लेके आएंगे या कासद लेके आएंगे, और इसके अलावा एक चूहे चन्ना होता है नया जोड़ा, यानी कि यूनिक से जिनके कलरफुल कलर काफ़ी अच्छे होते हैं, वो वाले परिंदे लेके आएंगे हम अपने छत पे। चल भाई ये देखिए, हम नीचे से खा रहे हैं, अब मैंने ऐसे मुट्ठी करनी है तो इसने उधर से छोड़ के मुट्ठी से खाने लग जाना है, ये होता है जी प्यार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का भी लोग इधर तक ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।